होली की राख से करें ये प्रयोग, आपके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। होली की राख से आपके प्यार को आपका बनाया जा सकता है। होली जलने के बाद एक अद्भुत संयोग की रचना होती है। होली की राख में नवोग्रहों का बल प्रदान किया जा सकता है। होली का अंतराल होली जलते ही होलास्तक समाप्त हो जाता है। तो जानिए तुम्हारे प्रेम लाइफ का, तुम्हारी लव लाइफ का, तुम्हारे रिलेशनशिप का होलास्तक कब समाप्त हो रहा है। इस उपाय से हमेशा के लिए इस दुख से मुक्ति मिल सकती है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं LWA बात बन जाए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। सच मानना, जहाँ रिश्तों को लोगों ने ताक पर रख दिया है, वहाँ हर रिश्ते को बाखूबी समझकर आपके लिए उसे मधुर बनाया जाता है। प्रेम को कौन कहता है कि एक ही दिशा में देखना चाहिए। प्रेम तो अलौकिक है, प्रेम तो शाश्वत है, प्रेम तो ब्रह्म है, प्रेम तो भगवान है। यहां पिछले 20-22 सालों से लगातार लोगों के जीवन में खुशियां भरने का काम किया जा रहा है। लव लाइफ में, शादीशुदा जीवन में उन्हें जिताया जा रहा है। अभी तक यहां जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है, सीधा आपके साथ आपको नित्य बताया जाता है। भगवान शिव की कृपा से आपके अपने जीवन में पिछले 20-21 सालों से लगातार लाभ मिल रहा है। इस यात्रा को कुछ दिनों से ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी चलाया जा रहा है। यहां पर भी 1 मिलियन के ऊपर लोग इस परंपरा से जुड़ चुके हैं। इस परिवार में, इस कुटुंब में 1 मिलियन के ऊपर लोग हैं। देखो, इसमें खुशी मिलती है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सत्कार, तुम्हारा भावना, तुम्हारा सहयोग बहुत ज्यादा है। मेरी छोटी सी तपस्या भी है साथ में। यहां 4000 लोगों की रेगुलर रिसर्च की टीम है और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जिताने के लिए है। आज की यात्रा बहुत स्पेशल है। इस बार की होली बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार की होलिका, ये होलिका दहन इस बार का 200 सालों के बाद आया है। जिस प्रकार से होली के पहले शुभ काम बंद हो जाते हैं, जैसे ही होली जलती है वैसे ही शुभ काम प्रारंभ होने लगते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की। जीवन में भी ऐसी ही आवश्यकता है। जब दुख का अंबार बढ़ जाए, जब मुसीबत सर पर चढ़ जाए, जब आपको हर तरफ से परेशानियां मिलने लग जाएं, जब आपका पार्टनर, आपका लव लाइफ और आपका जीवन साथी, आपके अपने रिश्ते आपकी तरफ से मुंह मोड़ लें, तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में भी होलास्तक चल रहा है। इस होलास्तक को समाप्त करने का अद्भुत संयोग लेकर के हाजिर हो। पर ध्यान रहे, आपको समझना होगा कि प्रेम अमलया भक्ति का नाम है। प्रेम उस भक्ति का नाम है, उस शक्ति, उस पूजा, उस साधना, उस मंत्र, उस विधा, उस परंपरा का नाम है जिससे बड़े बड़े अमलात्मा, सिद्धात्मा और ऋषि महात्मा संत तर गए, मोक्ष प्राप्त कर ले। वो सब मोक्ष प्राप्त कर गए। अब तुम्हारी बारी है।
ध्यान, योग, साधना, समाज, दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी चीजों में आपको मन लगाना पड़ता है। प्रेम, प्रेम उस विधा का नाम है जिसे आप सच में परमात्मा की भक्ति कह सकते हो। मैं सच पूछूं, सच बोलूं, सच कहूं तो प्रेम ही भगवान है, शाश्वत है, अद्वैत है। प्रेम उस विधा का नाम है जिससे सामान्य व्यक्ति संत हो सकता है। रोम रोम संत हो गया, भजन सुना है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब एक एक कौन संत होगा, उसका रोम रोम संत हो गया। प्रेम उस विधा का नाम है। प्रेम, प्रेम तो पशु पक्षी भी समझते हैं। प्रेम सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि प्रेमी और प्रेमिका पति पत्नी ही समझते हैं, माँ और बेटे में, भाई और बहन में, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम की आवश्यकता नहीं। जब आप बहुत एकाकी होते हो, जब आप बहुत एकांत में होते हो, जब आप बहुत अकेले होते हो, जब आप बहुत परेशान होते हो, ध्यान से समझना, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा हूं, बस सावधान हो जाओ इस बात को अभी कभी समझने की कोशिश करना। जब तुम बहुत परेशान होते हो तब आगे पीछे तुम्हें कोई नहीं दिखाई पड़ता, तो सच मानना तुम्हें तुम्हारा प्रेम दिखता है, उस समय वही आवश्यकता होती है। दुनिया का कोई भी काम कर लो। अब इस शाश्वत मंच से एक बड़ी बात कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो लोग बहुत नशा करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अभद्रता करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अपने जीवन को निकृष्टता में लेकर के जा रहे हैं, प्रेम उन्हें भी ठीक कर देता है। प्रेम उन्हें भी परिवर्तित करने का नाम है। प्रेम, प्रेम एक सूखे हुए वृक्ष में फिर से हरियाली भरने का नाम है और एक हरे भरे वृक्ष को सुखा देने का नाम है। अगर तुम्हारे जीवन में सच में प्रेम की आवश्यकता है तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले तुम्हें स्वयं परिवर्तित होना पड़ेगा। जो चाहिए वो देना शुरू करिए, जो आवश्यकता है उससे ओतपोत हो जाइए। कभी भी सुंदरता बाहर से नहीं आती। किसी भी कुरूप को विश्व की कोई भी विधा है ही नहीं जो सुंदर बना दे। एक ही विधा है, वो अंदर से प्रसन्न होना शुरू कर दे, वो मानना शुरू कर दे। जैसे ही आंतरिक अंदर प्रवेश करने का नाम है ना प्रेम। प्रेम बाहर की चीज नहीं है, प्रेम बिल्कुल मनुष्य की बात नहीं। शरीर तो नश्वर है, प्रेम अमर है। आज भी, कल भी और आगे भी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम फिर मरोगे, फिर वापस आओगे, पर प्रेम वही के वही मिलेगा तुम्हें फिर वापस। इस धरा पर परमात्मा ने भी अगर जन्म लिया तो उसे भी प्रेम की आवश्यकता पड़ी। विश्व में एक भी अवतार बताना जरा, तुमसे जोड़ रहा हूं, तुमसे तुमको जोड़ने की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना, बिल्कुल आडंबर में नहीं पढ़ना, गहराई से समझने की कोशिश करना। इस विश्व में जब भी कोई अवतार हुआ उसका मूलभूत उद्देश्य प्रेम था। भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि राधा ही मेरी सर्वस्व शक्ति है। भगवान शिव को इस बात के लिए एग्री होना पड़ेगा कि मुझे लव मैरिज ही करनी है। लव मैरिज ही तो थी उनकी। आपके लिए ये बिल्कुल सुनिश्चित है। बात तो मैं तुम्ही से कर रहा हूं, समझना जरा इस बात को, थोड़ा गहरा उतरना। मैं फिर तुम्हें प्रवेश कर रहा हूं, मैं तुम्हें स्पर्श करके आगे बात करने की बात कर रहा हूं। जब इस धरा पर, इस भूमि पर, इस प्रकृति में परमात्मा को भी भगवान शिव जैसे अवघड़ को, भगवान शिव जैसे मशानी को भी प्रेम ने परिवर्तित कर दिया, तो हम और आप तो किसी चिड़िया का नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी मर्यादा की पूरा विश्व बातें करता है, उनकी बात भी सुनिए। उन्होंने भी प्रेम विवाह किया। मन जाही राचहु मिलही सोबरु, सहज सुंदर सांवरो
वैसा ही पर चाहिए जिसको हमने देखा है, जिसको बगीचे में देखा है। मैया वही देना मुझे, सीता कह रही है। जब इतनी बड़ी मर्यादा में भी प्रेम की आवश्यकता है तो साहब हमें है तो कौन सी बड़ी बात है। आज जो हम उपाय आपको बता रहे हैं ये बहुत सरल और बहुत सहज है। ये सोल्यूशन, ये ढंग, ये तरीका, ये व्यवस्था ही इसको बल देती है। होली जलने के पहले पाप मोचनी होती है और होली जलने के बाद शुभता का पर्यायक होती है। जहां जीवन में होलास्तक हो, देखो समझना थोड़ा सा ध्यान से, होली के पहले होलास्तक शुरू होता है यानी शुभ चीजें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही जीवन में कभी कभी होलास्तक आता है, सब अवरोधित हो जाता है, चारों तरफ से दुख मिलने लगता है, हमें कोई समझ नहीं पाता और चीजें खराब होने लग जाया करती है। होली जलते ही होलास्तक समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अगर होली का जल जाए तो जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब जल जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको 7 चुटकी होली की मिट्टी लेकर के आनी है। एक छोटे से कांच की शीशी में उसको डालिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़ा सा गाय का घी डालिए, अष्टगंध डालिए, थोड़ा सिंदूर डालिए और 2 लौंगों को अपने दांत से काट करके उसके अंदर डाल दीजिए। इसके पश्चात एक पेपर में अपना नाम लिखिए एक पर्ची में, और एक पर्ची में अपने पार्टनर का नाम रखकर उसी शीशी के अंदर डाल दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके कहीं भी जमीन में दबा दीजिए। ऐसा करते ही आप दोनों जीवन पर्यंत के लिए एक हो जाएंगे। कहते हैं ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के लिए व्यवस्थाएं मजबूत हो जाया करती हैं। होली की राख लेके कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। बहुत सारे लोग होली की राख अपने घर में निरंतर रखते हैं। कभी किसी को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई तो थोड़ी सी लगा दिया, ये अपने आप में भभूति का काम करती है। और आपको पता है हवन की भभूति लोग रखते हैं, उतनी ही शक्ति और एनर्जी पावर इसके अंदर है। इसको बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करिएगा, आप डेफिनेटली इसमें लाभान्वित होंगे। तो खुश होइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना मत, दुखी मत होना, परेशान मत होना, जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं।